जो डायरेक्शन आई है कि सारे जितने भी लमरदार एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उनको चेंज कर दिया जाए, इसका मतलब है जितने भी हमारे पास लोग हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, 400 कुछ नंबरदार हैं, वो सब नए चेहरे हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग हमने कंटिन्यू नहीं करा है इस पर डायरेक्शन। सारे के सारे नए नंबरदार हैं थे, उनको शायद एक्ट के बारे में पता नहीं था, उनको अपनी फंक्शंस पता नहीं थे क्या होता है नंबरदार का फंक्शन, वो डिमिनिश हुआ था, ये इंस्टीट्यूट बहुत मतलब ख़त्म ही हुआ था, कोई काम ही नहीं हो रहा था नंबरदारों से। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि नए जो नंबरदार हैं, खासकर इसमें यूथ है हमारे 60 से कम की इससे ज़्यादा जितने भी मतलब ओवरऑल मिडिल एज यूथ है इसमें, और अगर आप पहले से ही स्टार्ट से ही कुछ नया करना चाहोगे, हमारी जो सोसाइटी है खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोपवारा, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, चेंज आ सकता है कोपवारा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब आप लोगों पे गवर्नमेंट का यही जो मंशूर है, जो गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो है, जो अफसर जो कहते हैं विलेज हेड ये लमरदार होता है, आप लोगों के फंक्शन को अगर कर दिया जा गया, प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, बहुत रेवोल्यूशन आ सकता है कोपवारा डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे। मैं कोपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जितने भी मसाइल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो आप लोगों के माध्यम से सब ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक फोरस तैयार किया है नया, हमारा अपना जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बेसिक फोरस है, उसको फ्रेश लाने के लिए हमने ये कदम उठाया गवर्नमेंट की जानिब से। तो सारे लोग नए हैं, अब जानते होंगे आपका फंक्शन क्या है, तो मैं इसी पे सीधे आ जाऊंगा। बेसिकली तीन चीज़ें याद रखनी है आपको, लमरदारी एक्ट 72, ये जो नए लोग हैं क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, सब मैक्सिमम PhD कर या MA करके लोग हैं, BA करके हैं बाकी, MA करके लोग हैं, BA करके हैं बाकी। तो लमरदारी एक्ट 72 एक्ट पहला बना है, उसमें कुछ 6-7 सेक्शंस हैं, उसमें ड्यूटीज़ कुछ नहीं दिए गए हैं, उसमें खाली लिखा है Section 6B में कि गवर्नमेंट रूल बना सकता है। 72 इसको आप लिख भी सकते हैं जो लिखना चाहेंगे, क्योंकि फिर आप खुद नहीं पढ़ोगे, ये कोई नहीं पढ़ता फिर रूल कोई घर पे बैठ। और 72 के एक्ट में 6-7 सेक्शंस है, सेक्शन 6 में बता देते हैं, Section B उसमें पार्ट बी में कि गवर्नमेंट रूल बना सकता है। फिर जाके 1980 में लंबरदारी रूल्स आ गए, 72 में एक्ट, 80 में रूल्स, कब आ गए 80 में, आज भी वही चल रहे हैं। उसी रूल्स के तहत हमने आप लोगों को अपॉइंट किया है, लंबरदारी रूल्स 1980। तो एक्ट 72 का है, उस एक्ट में 6 में बनाया गया रूल्स जो है, रूल्स 32 है, उसमें सेक्शन 32 सेक्शन है, लगभग कितने सेक्शन 32 सेक्शन रूल्स में, उसमें एक सेक्शन है 6th सेक्शन है कुदरती कि आपके जो लंबरदार के ड्यूटीज़ है उस ज़माने में, वो आपके सामने मैं बताऊंगा, केवल 13-14 ड्यूटीज़ है उस टाइम पे। आजकल खासकर सारा सिनेरियो चेंज हो गया, 1980 से आज तक इतने साल हो गए, कितना कुछ चेंज हो गया थ्रू वर्ल्ड, कंप्यूटर के एज है, डिजिटल ज़माना है आज, उस वक्त क्या था, उस वक्त हम सुनते थे खुश खरीद, किसी ने सुना होगा, एक लंबरदार की पहली ड्यूटी होती थी कि वो जो दान था, फसल था, गवर्नमेंट का जितना भी आप उसको हम गवर्नमेंट लेता था अपने खजाने में ताकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करे, फिर एक ड्यूटी थी, बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी उस टाइम पे, लंबरदार को गांव में जाके वो पकड़ना पड़ता था भाई आदमी को, ये दान लाओ कहाँ रखा। आज तो ड्यूटी वो है नहीं, लेकिन लंबरदार एक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि इसी का एक्ट है। अब देखो एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो रूल्स में कर रहा हूं, सॉरी, कितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आज तक कोई चेंज नहीं है इसमें। केवल 2017 में 19 सितंबर को एक SRO आया है, SRO इसलिए आया, उसमें एजुकेशन फिक्स कर दी गई और एज, पहले लंबरदार रूल में जैसे हम लिखते थे कि वो उर्दू उसको पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए, फिर SRO में क्या आया 8th पास प्लस बना। तो तीन ही चीज़ें हैं, 72 का एक्ट, 80 का रूल और 17 का क्या SRO, SRO को आप छोड़ दीजिए, आप सीधे जाएंगे किस पे, रूल्स पे, 80 के रूल्स में सेक्शन 6 में आपके 13-14 ड्यूटीज़ है, उनको मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा आपके सामने, क्योंकि टॉपिक भी मेरा यही है और आप लोगों को समझना भी है। इसके बगैर जो आज ड्यूटी है, आप मान लीजिए पिछले 10 साल से कितना परिवर्तन हुआ है सोसाइटी में कि आप लोगों को दूसरा कुछ क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन ये सारे जो आज आप काम कर रहे हैं उन्हीं रूल्स में कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी है। इस पर शाहबाज साहब आपको जनरल बताएंगे कि जो एक्सपीरियंस इनकी है, तहसीलदार या हमारी भी, तो आप लोगों को क्या काम करना पड़ता है, लेकिन जो हमारे यूथ है, हमारे यंग फोरस है और आप पढ़े लिखे जवान हो, मैं चाहूँगा कि इनको आप एक एक ड्यूटी को समझो, 13-14 ड्यूटी है, क्योंकि आप मुझे नहीं लगता कोई घर में जाके पढ़ता है फिर इसको, कोई इतना टाइम नहीं, टाइम तो क्या मतलब इस पर फोकस नहीं करता, इसलिए यही वक्त है आप इनको समझ पढ़ो कि मेरे पास जो एक्ट है
मैं इस एक्ट को ये कुछ रूल्स कही ना आपके ड्यूटीज थोड़ा सा स्पेसिफिकली ये 13 है टोटल. पहला मेक कलेक्टर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एरियर वगैरह वगैरह जो मैं अभी कह रहा था आज कल तो इतना ये है नहीं इसको हम छोड़ देते हैं. मेक कलेक्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ लैंड हेल्प इन बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट जो अभी मैं बता रहा था इसको भी हम छोड़ देते हैं. अब पढ़िए आगे एक्नॉलेजमेंट ऑफ एवरी रेसिपी भी रिपोर्ट तहसीलदार अबाउट डेथ अपनी ऐसा ही नहीं आप लैंड रेवेन्यू यानी जो भी रहता है उसमें गांव में अगर किसी की डेथ होती है वो भी रिपोर्ट करनी है इसको. जैसे हमारे पटवारी के पास होता है रोज हम जब वाकाती हर दिन क्या हुआ वो पटवारी को लिखना होता है. अगर किसी दिन कुछ नहीं हुआ तब भी लिखना है आज कुछ नहीं हुआ. इसी तरह लंबरदार भी जैसे आप लोग हैं तो मेरी नसीहत यही रहेगी आप भी अपने घर पर जाके एक बुक एक कापी बड़ी सी रजिस्टर रख लो हर दिन लिख लो क्या हुआ है. उससे क्या होता है गांव में फिर पता नहीं चलता कब 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 क्या हुआ था आग कब लगी थी यहाँ कौन सा अफसर आया था किस डिपार्टमेंट से आया था. अगर आप लिखोगे हर दिन कि आज पीएचई डिपार्टमेंट के लोग आ गए यहाँ पानी का मसला था ये लिख के रखोगे वो हमारे बड़ा काम आएगा आगे जाके समझ गए. ये एक ड्यूटी है. दूसरा रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी अबाउट मैरिज और रिमैरिज ऑफ एनी पर्सन ड्राइविंग फैमिली पेंशन एंड हिज एब्सेंस फॉर मोर देन अ ईयर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी. कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी वाली है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी. लंबरदार कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है मैं जिसमें आप लंबरदार हो चाहे आपके अंडर दो गांव आता है या आधा गांव आता है कहीं पे दो लंबरदार है गांव में तो उस गांव में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है दो. लंबरदार की कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपका पूरा एक ड्यूटी भी है और आप रेस्पॉन्सिबल भी हो और आप एक्ट कर सकते हैं एज ऑफिसर विलेज ऑफिसर. तो वहाँ पर अगर किसी की डेथ होती है कुछ कोई आदमी घर नहीं आया पिछले एक साल से मिसिंग है ये भी आप लिख सकते हैं. ये आगे जाके फिर डेथ सर्टिफिकेट जब बनानी पड़ती है किसी मिसिंग पर्सन को 7 साल के बाद आपको पता होता है बड़ी मुश्किलें होती हैं ये आप ये भी आप याद रख लो. इसके बाद है रिपोर्ट टू द तहसीलदार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपोर्ट टू द तहसीलदार अबाउट एनक्रोचमेंट ऑन कॉमन लैंड. समझ गए बात को. ये वाली ड्यूटी जो है कोई नंबरदार नहीं कर रहा था जो भी एग्जिस्टिंग थी कोई बताता नहीं था कहीं पर एनक्रोचमेंट हो गई है यहीं से नंबरदार को बताना पड़ता है कि फलानी जगह पर एनक्रोचमेंट हो रही है वो वहाँ से नहीं बताता. ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है और आजकल आप देख रहे हैं आज सुबह न्यूज़ आ गई कितने लाख कनाल गवर्नमेंट ने बताया अभी भी एनक्रोचर उसके पास है. क्या न्यूज़ पढ़ी किसी ने 7 लाख कनाल कुछ लाख कनाल अभी भी तो अभी इस पर गवर्नमेंट काम कर रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है नंबरदारों के लिए हमें कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था जो एग्जिस्टिंग कुछ को छोड़ के. तो रिपोर्ट टू तहसीलदार अबाउट एनक्रोचमेंट ऑफ सम कॉमन लैंड इंक्लूडिंग रोड्स ग्रेजिंग ग्राउंड गवर्नमेंट लैंड्स एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी सच एज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन एटसेट्रा. पब्लिक प्रॉपर्टी हर वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पब्लिक का पैसा लगा हुआ हो समझ गए. इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट भी है. किसी भी अगर पोलस पर चलाई ना कोई पोलिटिकल पार्टी भी लगाती थी किसी पोल पर अपना झंडा वो उतारना है हमें ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ये हो जाता है. पब्लिक प्रॉपर्टी हर वो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट बनाई है उसको डिफेसमेंट नहीं होना चाहिए उसको डैमेज नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा हम आप उस टाइम पर आप रिपोर्ट करोगे. ये बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये एनक्रोचमेंट. और ये एक और ड्यूटी है कैरी आउट द बेस्ट ऑफ एबिलिटी. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप नोट कर लो क्योंकि कहीं हद तक आज हमारा जो इंटरेक्शन है वो इस पॉइंट पे बहुत ही फोकस रहेगा और शाबाश साहब इसे बताएंगे. ये आप मैं इसको रिपीट करूंगा कैरी आउट द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी यानी जितना भी इसमें शक्ति है बंदे में एबिलिटी जितने जितना टैलेंट है. अबाउट लॉफुल ऑर्डर दैट में लॉफुल ऑर्डर दैट में रिसीव फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर. समझ गए. आप लंबरदार को आज फ़ोन करते हैं कहीं सारे लंबरदार जैसे हमने अपॉइंट कर दिए अभी नहीं आए हम अटेंडेंस लेंगे जो नहीं आए. और इसमें यह भी है आपको कि अगर कोई हमें लगता है परफॉर्म नहीं करता है वी कैन किक हिम आउट सीधी बात है. ठीक है जिसको इंटरेस्ट है इसमें वो रहेगा जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है वो अपना काम करेगा कहीं पर. इसके बाद असिस्टेंस इन सच मैनर एज रेवेन्यू ऑफिसर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट इन क्रॉप इंस्पेक्शन. क्रॉप इंस्पेक्शन जैसे गिरदावारी होती है गिरदावारी एक इंपॉर्टेंट गिरदावारी का काम होता है पटवारी का काम गिरदावारी होती है गांव में कहाँ पे इस वक्त क्या पोजीशन है ज़मीन पे. तो उस वक्त लंबरदार साथ होना चाहिए कि फसल छा मकान छा बनो मुते या उसमें कुछ और वो काम कर रहा है. गिरदावारी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कम होता है मतलब आइज पर सपॉट हम लिखते हैं इधर गिरदावारी ये हुआ ये होता लेकिन सपॉट इंस्पेक्शन कम होता है. गिरदावार का मीनिंग भी है फंक्शन भी है उसको आपको सपोर्ट करना असिस्टेंस करना है गिरदावार को पटवारी को जब गिरदावारी होगी चाहे रबी की होगी या खरीफ की होगी क्या कहाँ पे क्या है तब जाके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या बाकी जो चेंज होता है बंजर कदीम या आई बी एवल से वो ये
ये फिर आगे जाके रेवेन्यू हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर साहब हैं वो इसमें फिर आगे हम जब रिपोर्ट डालते हैं तब ये हो सकता है, नहीं तो आप देखोगे 50 साल से वहाँ कोई बिल्डिंग बनी है, हम लिखते हैं आदि आवल, समझ गए बात को, ये गिरदावरी इसमें असिस्टेंस कर रहे हैं आपको। इंस्पेक्शन म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 13,000 म्यूटेशन पेंडिंग है, कितने 13,000 लगभग आंकड़ा जो है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये अभी हमें डायरेक्शन मिली है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के, सारे जो इंतकाल है जो पेंडिंग है वो विद इन 1 वीक सारे हमें ख़त्म करने हैं। तो कैंप लग जाएंगे हर तहसील में, उसमें लंबरदार का आना ज़रूरी है, वही लंबरदार हमें बताएगा कि जो जिसका हम इंतकाल कर रहे हैं उसका कौन कौन वारिस है, वही तो बताना है कि वाकई तौर डेथ हो गई वहाँ कोई वारिस मत रह गए। तो ये इंतकाल हमें कुछ ही टाइम में सारे करने हैं, 13,000 कुछ पेंडिंग है पॉपर रजिस्टर में, ये आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है आगे जाके आने वाले हफ्ते में। तो म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स, सर्वे, प्रेपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिजनेस विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद अटेंड समन्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, जो भी हम समन भेजते हैं, एंड असिस्ट देम इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटीज, आपके इलाके में अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट आता है इवन के रेवेन्यू ऑफिसर के बगैर कोई भी ऑफिसर आता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यूनिक लंबरदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए है, आपके इलाके में PHE का कोई आता है या PDD का कोई आता है, PMJSY का या पुलिस का कोई आता है, तो हर जगह हर आप तो पता है कि हर डिपार्टमेंट को लंबरदार की ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। इसलिए आप अगर पुराने जो लंबरदार हैं उनसे अगर कोई आपका संपर्क होता है, कम्युनिकेशन हो जाता है उनके साथ, तो ये क्योंकि आप नए लोग हो, यूथ हो, आप गाँव को नहीं जानते हो शायद, उसको सीखने की कोशिश करें और अपने हिसाब से आप, जैसे पटवारियों को भी डायरेक्शन हुई थी, चलो अब वो अपने बड़ा बिजी रहते हैं, वो गांव में कितने मस्जिद हैं, मंदिर मत है कहीं पे, गुरुद्वारा, चिनार ट्रीज, कितने कुएं हैं, नल कितने हैं, PHE स्कीम कितने हैं, जिसको हम एक बड़ा पटवारी के पास एक रजिस्टर होती है जिसमें पूरा डिटेल लगा हुआ था, ये भी आप जो टैलेंटेड लंबरदार होगा वो लिखेगा कि मेरे इलाके में ये चीज़ें हैं। आप यूथ हो, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना कुछ है वो लिखो, यहाँ पे इतना, जब हमसे कोई पूछता है डी साहब कुछ हमें पूछ ऐसे तहसीलदार जवाब दे दो, हमें पता नहीं होता है क्योंकि नीचे से तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोग ही आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना कुछ है उसको लिखो, विधवा कितने हैं, विडोज कितने हैं आपके इलाके में, समझ गए, ये उसके बगैर कुछ यूनिक जो होता है अलग चीज़ कोई वो कितना है। इसके साथ साथ कुछ लोग नशा करते हैं, क्या करते हैं, ड्रग पेडलिंग करते हैं या कुछ मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं आवारागर्दी करते हैं, उनका भी आप नोट कर लो कि ये आदमी ठीक नहीं है, गांव को ख़राब कर सकता है, ये एक आदमी जो है पूरे, ये समझ लो ये बात, अगर किसी गांव में कोई कहीं श्रीनगर जाके वो वहाँ पे मजदूरी करता है या ड्राइवरी करता है, वो क्या करता है, नशा में चला जाता है, ठीक है, हीरोइन खाता है, ज़्यादातर हीरोइन चलता है, पता उस गाँव मस, क्या वो गाँव को पोल्यूट नहीं कर सकता है, अकेला खाएगा, धीरे 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 एक दो साल में वहाँ पे आपको 20 लोग मिलेंगे, 50 लोग मिलेंगे, अगर आप उस व्यक्ति को हमें बताने में सफलता मिलेगी आपको, आप बताओगे आदमी हमें लगता है आवारागर्दी करता है, ये नशा करता है या कुछ गलत काम करता है, हम उस पर नज़र रखेंगे, हम अपने हिसाब से 107 109 या पुलिस को इसमें बारे बताएंगे, उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसको हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उसे गाँवों की भलाई के लिए। तो ये भी आप नोट कर लो, अगर आपको लगता है आपके गांव में कोई आवारागर्दी करता है या रात को मतलब घूमता है या आपको शक होता है कि ये शायद नशा करता है कुछ और करता है, तो वो ये समझ लो यह सवाब देता है सोसाइटी को बचाने में और यहाँ फर्ज भी है। इसके बाद रिपोर्ट द लोकल रेवेन्यू ऑफिसर एज वेल एज नियरेस्ट पुलिस एंड मेडिकल ऑफिसर, किस बारे में अगर कोई आउटब्रेक हुआ है कश्मीर, तो सेंसिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटब्रेक अगर खुदा ना खास्ता तो क्वारंटाइन शुरू कर, जहाँ पे कुआं का पानी पीते हैं मैंने देखा टाइफाइड होता था, हेपेटाइटिस सी हो जाता है, या जो मेडिकल थ्रू ये हेपेटाइटिस बी होता है मैंने कहीं पे देखा आउटब्रेक्स हो गए हैं थ्रू डेंटिशन, डेंटल शॉप पे जहाँ पे, क्योंकि वो ऑटोक्लेविंग नहीं करते वो नहीं करते साफ, तो अगर कहाँ आउटब्रेक है तो उसको पुलिस स्टेशन रेवेन्यू ऑफिसर से मेडिकल ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन देनी, कितने बीमारी वो समझ कर हुकूमत, ये भी एक ये मैं आप इसको समझो ये 1980 में बना है, तब बहुत सिंपल ज़माना था, आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये उस टाइम की मैं बता रहा हूँ उस टाइम क्या है। इसके बाद रिपोर्ट अबाउट ब्रेक वेक वगैरह आउट, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर हुआ है वो बताना है, और रिपोर्टर तहसीलदार अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इवेंट, ये लास्ट था, कोई भी एक्स्ट्रा इवेंट कुछ भी होता गाँव के गाँव में आप तहसीलदार को रिपोर्ट करिए, तो आपका जो इंपॉर्टेंट है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और SHO कंसर्नड,
ये जो है आपके कोई कुछ भी होता है डायरेक्टली आप फोन करें, वैसे भी जहाँ कहीं भी कुछ होता है तो यू हैव टू रिपोर्ट टू पुलिस स्टेशन। अगर कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं, एफ आई आर करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। तो मैं एक्सपेक्ट कर लूँगा जितने भी रिस्पॉन्सिबल, मुझे इतना ही बताया गया था एक्ट, आप समझो एक्ट 72 का ATK रूल्स में आप काम कर रहे हैं, इसमें अपॉइंटमेंट भी आपकी होगी, सब कुछ इसी में चला जाएगा। तो लेकिन आगे आने वाले एक हफ्ते में मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताया वो समझ गए, कोई भी वक्त किसी भी तरीके से अगर कुछ आपको लगता है कुछ करते हैं, सब समझ रहे हैं मेरे साथ इतना कर रहे हैं सारे लोग, आगे चलते हैं, बस कुछ ही रह गए ड्यूटीज। सबलेट द बेस्ट ऑफ एबिलिटी अबाउट एनी, ये पार्ट 10 ये 11 है, ये भी इम्पॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा था यही वही है, इसको आप समझ लो, इसको सुनो आप। सप्लाई टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी अबाउट एनी लोकल इन्फॉर्मेशन विच मे बी रिक्वायर्ड बाई द अथॉरिटी एंड जनरली फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन देयर डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट। फिर से मैं रिपीट इस लाइन को करता हूँ, सप्लाई टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी अबाउट एनी लोकल इन्फॉर्मेशन, यही बात थी ना, यहाँ ड्यूटी भी है आपकी। कब बनी है, 1980 में, आज कितने साल हो गए, आज भी रेलिवेंट है ये। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट चाहती है आपसे वो दे दे, तो सब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पे भी कुछ भी रिपोर्ट कर सकता है, ये तो उसकी कोताही होगी अगर वो नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू पेशेंटली सुनने के लिए एंड थैंक यू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मौका मुझे दिया हम बोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।